नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी होंगी नई मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर विधायकों की सहमति बनी। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। शाह ने कहा, सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू कराने की है योजना। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदाय से करेंगे बात। तेज बारिश से यूपी के 21 जिलों में बाढ़ से 4 लोगों की हुई मौत, तो वहीं बिहार में गंगा उफान पर बह रही। इसके अलावा हिमाचल में हुआ लैंडस्लाइड, बारिश से 74 सड़कें की गई बंद। पंजाब के नामी सिंगर आर नेत को मिली धमकी, विदेशी नंबरों से आया फोन, मांगी 1 करोड़ की फिरौती। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल से मांगा इस्तीफा। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा, स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ती है। अमृतसर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, बीएसएफ जवानों ने मार गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर कल होगी वोटिंग। 18 सितंबर को 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर होंगे मतदान, जिनमें 23.27 लाख वोटर्स होंगे शामिल। महाराष्ट्र के बुलढाणा शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर हुई FIR। विवादित बयान में कहा था, राहुल गांधी की जीप काट कर लाओ, 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो आज सोने में बढ़त तो चांदी फिसली। सोना 73,505 रुपए पर पहुंचा, वहीं चांदी 286 रुपए गिरकर 88,028 रुपए प्रति किलो पर आई। बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी रही, 83,100 पर कारोबार रहा। IT और बैंकिंग शेयर बढ़त के साथ चले। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में 10 साल सरकार चलाने के बावजूद विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों को विरोध झेलना पड़ रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण तीखे सवाल पूछ रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध में कोई छोटे नेता नहीं, बल्कि बीजेपी के दिग्गज नेता घिरे हुए हैं। बता दें, इसे देखते हुए अब चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। आयोग अब बीजेपी समेत सभी नेशनल पार्टियों के उम्मीदवारों की सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों SP से रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि SP ने सभी SHO से उनकी विधानसभा के हिसाब से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पूछा गया है कि उम्मीदवारों के पास कितनी सिक्योरिटी है, उन्हें कितनी और सिक्योरिटी की आवश्यकता है। वहीं आयोग से जुड़े सूत्रों से उन्हें इनपुट मिले हैं कि विरोध की आड़ में उम्मीदवारों और नेताओं पर हमले जैसी स्थिति भी हो सकती है। वहीं अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार भी इसको लेकर शिकायत करता है, तो एप्लीकेशन आने पर उसकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिन हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रचार करने गए कुलदीप बिश्नोई और विधायक के बेटे भव्य बिश्नोई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान धक्का मुक्की तक हुई। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति से जनता के बीच पार्टी की लोकप्रियता और बढ़ेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र के बाद 26 सितंबर को सोनीपत व 2 अक्टूबर को पलवल में रैली होने वाली है। साथ में ये भी बता दें कि दोनों रैलियों के बीच तीसरी रैली हिसार में होगी, जिसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है। बताते चले कि अमित शाह बुधवार को भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने ये जानकारी दी है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए बडोली ने बताया कि सोनीपत रैली के वे खुद संयोजक हैं, जबकि हिसार रैली की जिम्मेदारी कुलदीप बिश्नोई व पलवल रैली के संयोजक केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को बनाया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा के ज्यादातर बागी मान गए हैं, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा और राज्य में भाजपा को एक बार फिर से सरकार बनाने में सफलता मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लुहारू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी JP दलाल के पक्ष में बहल के खेल स्टेडियम में रैली की। दरअसल अमित शाह की प्रदेश में ये पहली रैली हुई। इसमें वह स्टार प्रचारक के तौर पर
चुनाव प्रचार की शुरुआत करने पहुंचे। खास बात यह है कि इस बार भाजपा ने गृह मंत्री के चुनाव प्रचार के लिए शहरी क्षेत्र की जगह ग्रामीण क्षेत्र को चुना है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की सोच से चुनाव प्रचार को धार दे रही है। अमित शाह की रैली के लिए जहां भाजपा ने भिवानी जिले के ठेठ ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर लोहारू विधानसभा क्षेत्र को चुना है ताकि पूरे क्षेत्र में इसका सीधा असर आ सके। यहीं से भाजपा अपने स्टार प्रचारक अमित शाह की रैली की शुरुआत सीधे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के लिए किया। वहीं गृह मंत्री इसके बाद फरीदाबाद में रैली करेंगे। भाजपा के लिए गृह मंत्री की रैली का असर पूरे फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार का विधिवत रूप से आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। रैली में स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश के चुनाव प्रभारी वे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सांसद विप्लव देव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर वे सभी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। हरियाणा लोक हित पार्टी हलोपा के अध्यक्ष गोपाल कांडा द्वारा भाजपा की भाषा बोलने के बाद इनेलो बसपा का हलोपा से गठबंधन टूटने के आसार बन गए हैं। दरअसल इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का गोपाल कांडा का बयान उनका निजी बयान हो सकता है। उनके इस बयान से इनेलो बसपा का कोई संबंध नहीं है। गोपाल कांडा से इस बारे में जवाब मांगा जाएगा। यदि गोपाल कांडा स्थिति साफ नहीं कर सके तो सिरसा में उन्हें इनेलो बसपा का समर्थन देने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। दरअसल गोपाल कांडा ने रविवार को बयान दिया था कि उनकी पार्टी हलोपा अभी भी एनडीए का हिस्सा है और विधानसभा चुनाव के बाद इनेलो बसपा हलोपा मिलकर भाजपा की सरकार बनाएंगे। गोपाल कांडा के इस बयान के बाद सोमवार को भाजपा ने सिरसा विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा का नामांकन वापस करा दिया। अब हलोपा उम्मीदवार के रूप में गोपाल कांडा और कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया के भी सिरसा में आमने सामने का मुकाबला होगा। गोपाल कांडा को समर्थन देने की वजह से सिरसा सीट पर इनेलो बसपा गठबंधन ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।